हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है सैटरडे और मैं इनके साथ ऐसे ही जा रही हूँ, मतलब मैं किसी काम से नहीं जा रही हूँ। मैं जाने वाली थी किसी काम से पर मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैं इन्हीं के साथ जा रही हूँ। इन्हें कुछ काम था तो इन्होंने बोला चलो तुम्हें थोड़ा घुमा के ले आता हूँ धूप में। तो मैंने बोला चलो धूप में घूम के आते, तो मैं धूप में घूमने जा रही हूँ। घूमने भी नहीं, सिर्फ 10 मिनट इन्हीं के काम से, और उसके बाद फिर मुझे घर छोड़ देंगे। सोचे कितने मतलब ही टाइप के, सिर्फ टाइम पास करने के लिए लाए हैं। दिल से मेरे हस्बैंड पगला गए सुबह से पगला रहे हो तुम। और वो तो बुल्ला सो रहा है और मुझे जाना है एक वीडियो शूट करने और कुकिंग जोन की वीडियो एडिट करने। वो एडिट ही नहीं हो पाया, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पाया रात में, क्योंकि मुझे ब्लॉग एडिट करना पड़ा, ब्लॉग सेव। मेरा सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, मुझे उसको फॉर्मेट कराना पड़ेगा। और मैं यही कह रही थी कि मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, कोई वीडियो सेव होने में उसे टाइम लगा दिया, फिर जब वो फाइल्स अपलोड हो रही थी उस पर उसने इतना टाइम लगा दिया तो रुक ही नहीं रहा। सो अभी मैं और ये खा रहे हैं, ये है जामुन मसाले वाले। मैं आने के लिए ब्राइब करती हूँ लोगों को, सॉरी ये मुझे ब्राइब करते हैं खाने पीने से। और मैंने बोला कि अब मुझे कुछ अच्छा खिलाओ, तो अब मैं पहले कुछ अच्छा खाऊंगी, उसके बाद ये चले जाएंगे ऑफिस और उसके बाद मैं चली जाऊंगी घर। रहे हैं कॉफ़ी हाउस, इंडियन कॉफ़ी हाउस। क्या हुआ? अभी और मेरे हस्बैंड चले गए नीचे के नीचे ही ऑफिस, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, घर का थोड़ा बहुत काम देखती हूँ और एसी चलाती हूँ। उसके बाद मैं अभी शूट करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, और उसके बाद मैं एक शावर भी लेने जाऊँगी। बट एकदम अभी मैं आई हूँ धूप से तो मैं एकदम से नहीं जाऊँगी, वरना मुझे सर्दी हो सकती है। सो मैं आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी सी अच्छी सी देर बाद ही, कि थोड़ा अच्छे से मैं काम कर लूँ उसके बाद। बाय। सो जस्ट अभी मैंने काम ख़त्म किया है घर का, और बाहर जो मौसम है वापस से बहुत अच्छा हो गया। मतलब सुबह बहुत तेज़ धूप थी जब हम लोग गए थे, और हमने वहीं पे डोसा खा लिया था अच्छे से, तब बड़ा डोसा था, तब दोपहर का खाना ही हो गया, हमने 12:30 के आसपास खाया था। और अभी बज रहे हैं 3, तो आई डोंट नो मेरे हस्बैंड आज शाम को आएंगे या नहीं आएंगे। उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, अभी उनको बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, मतलब वर्क प्रेशर स्ट्रेस नहीं है बट काम ज़्यादा है, मतलब समझ सकते हैं। जैसे मुझे भी काम रहता है, ज़्यादा है पर स्ट्रेस नहीं, तो ऐसे उनका काम है। तो आजकल हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग बात कर पाएँ, तो कल हम लोग 3 बजे तक बात की हमने। उसके बाद फिर हम लोग सुबह 9 बजे उठे, नहीं फिर हम सुबह 7 बजे उठे हैं, और वो योगा वगैरह कर रहे थे, मैं मेड का वेट कर रही थी। और मेरी मेड आजकल इतनी धोखेबाज हो गई है ना, कोई मेड टाइम पर नहीं आती, तो फिर मेड आई ही नहीं, फिर मेरे को निकलना था, फिर मैं चली गई, फिर जो काम पड़ा था वो पड़ा था, फिर मैंने अब सब कुछ निपटा दिया, मतलब A to Z सारा काम फिनिश हो गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ, पर फ़िलहाल मैं सोची थोड़ी सी बारिश वारिश हो जाए। हाँ, सो मुझे शार एसेंशियल शूट करने हैं, मतलब शार के लिए या शार रूटीन टाइप का, कि शार में मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, जो प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ, जैसे स्किन केयर रूटीन होता है, नाइट केयर रूटीन होता है, वैसे ही वो वाला वो रहता है, तो मुझे वो शूट करना है। वो वीडियो मंडे को जाएगी हालाँकि, पर कल मैच है साउथ अफ्रीका के साथ, और कल हम लोग की प्लानिंग ये है कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी सिर्फ, और कुकिंग जोन का काम करूँगी, सब कुछ हो गया फिर भी, और देखूंगी, और साथ में उनके साथ मैच एंजॉय करूंगी। तो कल हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे घर में रह के ही। और फाइनली धूप में घर में गर्मी अच्छा लगता है। अब बोलो सो रहा है, बनी आ जाओ, सो रहा है वो, एसी ऑन है, रूम एकदम मस्त ठंडा है, और मैं भी अब थोड़ा सा आराम कर रही हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं, मैं शूट करूँगी डायरेक्ट, और फिर मिलते हैं डायरेक्ट।
सो हम लोग जा रहे हैं सब्जी लेने अभी, सब्जी लेने। मैं सैंडल देख रही हूँ, सैंडल कहाँ है राजा? जस्ट हमने सब्जी खरीदी है और मैं कितनी ऑयली लग रही हूँ, मैं कितनी ऑयली लग रही हूँ राजा। What do you mean by just? जस्ट अभी तो खरीदी कि अरे क्या हो गया? तो ऐसा कुछ टूटा थोड़ी है, टूटा नहीं है लेकिन वो अंदर कर रहा है, मतलब वो अतिक्रमण एरिया है। अब हम अपना चॉको शेक तो नहीं करते, तो मेरे साथ शेयर ब्लूबेरी सोडा करना चाहते हैं। आज मौसम अच्छा था, बारिश नहीं हुई पर अच्छा ठंडा सा ही है मौसम, मतलब गर्मी नहीं है दोपहर में। मैंने तुमसे कहा था ना राजा आज की, आज देखो काफ़ी गर्मी अब घर में लग रही है और हम लोग अभी एक वेंचर पे, मतलब एक काम पे लगे हुए हैं। नहीं अभी नहीं बताऊँगी, अभी नहीं, एक डेढ़ महीने में आपको पता चलेगा या 15 दिन में पता चल सकता है या 10 दिन में पता चल सकता है, जैसे ही वो काम ख़त्म होता है तो। मतलब कुछ बहुत ही अलग चीज़ है, मतलब जो आपने सोची भी नहीं होगी वो चीज़ है। जैसे वो हो जाएगा काम, हम लोग उसी काम में लगे, तो 10:30 बज गए, हम वही काम देख रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे हम लोग। सो बस जैसे ही वो काम होता है तो, और उसके पीछे क्या रीज़न था वो ही बताऊँगी मैं। और हो सकता है वो काम आपको सडनली एक दिन दिख जाए और आप खुद रिकॉग्नाइज कर जाओगे कि ओ ये कुछ तो है, ये क्या हुआ एकदम से, आप ये बोलोगे ये क्या हुआ। सो एकदम सडन सरप्राइज़ आ सकता है वो कभी भी, है ना राजा? 10 दिन में या 15 दिन में आ सकता है, या थोड़ा और टाइम लग सकता है, या 1 हफ्ते में हो सकता है। तो इसलिए वो सरप्राइज़ अभी नहीं, वो सरप्राइज़ सरप्राइज़ ही रहना चाहिए। और वो मैं बताऊँगी नहीं, वो आपको खुद दिखेगा। हाय बॉनी, हाय बॉनी। हाँ, सस्पेंस रहती है, सस्पेंस ही। तो ये बोली नहीं बताना मुझे भी कुछ। हाय बॉनी। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मैंने जल्दी से चोटी बनाई है क्योंकि आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, आपको क्या पता है बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलिए खाना बनाते हैं। और पेस्ट्री खाई थी हम लोगों ने, पेस्ट्री लेके आए थे, पेस्ट्री लाए थे शाम को। हाय। तो मैं रात में खाई हूँ एज अ मीठा, और मैंने कुछ हल्का ही बनाया था। हाय बोनी। बोनी को पकड़ा जाए क्योंकि बोनी बहुत भाव खा रही है। हाय बोनी। हाय माय बोनी, कैसी हो तुम, कैसी हो? भली ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी तो आज तक नहीं लगी है मुझको। अरे अरे, मेरी छोनू पता है बहुत ज़्यादा गर्मी में परेशान है, है ना? कितनी परेशान हो, चलो नाखून दिखा दो अपनी। हाँ मेरी नाखून देखे, ये मेरी नाखून है, फोकस नहीं हो रहा है कैमरा। एक एक किस दो, चलो नहीं किस दे रहे आज, किस नहीं दे रहे। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हो? हाय हाय माय गुनिया, तलोगी तलोगी तले तले नील ले, इसको लग रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, जाओ रूम में जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आज ही, मतलब हद परेशान होता है ना वो वाला परेशान हो रहा है। और आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने ना कपड़े डाल के रखे थे वॉशिंग मशीन में और मैं निकालना भूल गई, तो मैं अभी जा रही हूँ बाहर और मैं उसे निकालती हूँ। तो रात हो ही गई है, तो मैं देख के आती हूँ कि हाल क्या है। बस मैं ही चाहती हूँ बोझो मेरे पीछे आए, वो जो मेरे पीछे आता है तो मुझे बहुत परेशान करता है। सो अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन से, अब मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े देखने कि क्या हालत है मेरे कपड़ों की। आई थिंक मुझे सबसे पहले पानी को तो ड्रेन कर देना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो मैंने किया है वो है वाटर, मैंने ड्रेन कर दिया है। ये वॉशरूम है एक और बाहर वाला जो बहुत रेयरली हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कपड़े धोती हूँ, मतलब जो निखारने वाला काम है, तो ये मेरे पूरे कपड़े धोने के काम आता है ये वाला वॉशरूम।
और ये है जो ये एक और दरवाज़ा है, ये है पीछे वाले रूम का दरवाज़ा जो मैं अपना शूटिंग रूम बनवाने की सोच रही हूँ, उस वाले रूम का दरवाज़ा, और हम लोग जाते उस रूम से। तो ये जगहें हैं। और मैं कुछ थोड़ा सा और कुछ बताती हूँ। मैं आपको बोलती रहती हूँ बीच वाला रूम, बीच वाला रूम। तो बीच वाला रूम कौन सा रूम है? आई डोंट थिंक सो कि आपको अभी दिखेगा वो। सो मुझे नहीं मालूम है कि मैं आपको दिख रही हूँ। तो ये मेरा वाला ऊपर वाला है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, और ये है बीच वाला रूम जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे। तो इसमें किचन वगैरह सब कुछ है। ये वाला, ये खाली है अभी, मतलब पूरा खाली पड़ा है ये, क्योंकि हम लोग इतना सब यूज़ नहीं कर सकते। और फिर नीचे, और फिर नीचे पूरा घर है, वो कार खड़ी है, और नीचे फिर पूरा बहुत बड़ा वो वाला जो घर है जहाँ पे मम्मी पापा हैं। तो और ऊपर टेरेस है। तो एक शॉर्ट छोटा सा मैंने आपको एक चीज़ दिखाई है क्या कैसा है। अंधेरा हो रहा है नीचे क्योंकि आज स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, इसीलिए। चलिए देखते हैं कपड़ों के हाल। सो आई डोंट थिंक सो ये कुछ समझ में भी आया होगा या कुछ दिखा भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है ना। कुछ समझ में भी नहीं आया होगा और कुछ दिखा भी नहीं होगा क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो रहा था। मैं वैसे दिखा, किसी को दिखा या समझ में आया? अगर रोशनी होती तो आई थिंक मुझे तभी दिखाना, दिन में दिखा देना था, क्योंकि मैं अभी टूर तो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मेरे को सबसे पहले ना मेरे हस्बैंड ने जो एक रूम है नीचे वाला, उसमें जो उनका जो ऑफिस जला था ना, उसका थोड़ा बहुत जो सामान है ना वो पैक कर दिया है। तो मैं सोच रही हूँ पहले सामान को क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं हाउस टूर करूँगी, क्योंकि वो रूम फिर बंद हो जाएगा। और हाउस टूर का मतलब है कि पूरा घर में एक बार में दिखा दूँ, क्योंकि मेरे को घूमना पड़ेगा और काफ़ी घूमना पड़ेगा घर दिखाने के लिए। तो मैं पहले खुद भी चेक कर लूँ, कुछ अच्छा नहीं दिखता तो वो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वो थोड़ा ये क्लियर कर दें। और ये तो रहे क्लियर करने आराम से, तो देखते हैं जल्द से जल्द। सो गाइस, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ये था छोटा सा मोटा सा ब्लॉग, संडे की एक छोटी सी ट्रीट। और अगर आपको मेरी छोटी पसंद आई है तो अभी की अभी मुझे सब्सक्राइब करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू कुकिंग वीडियो। बाय।